स्वामी नहीं है। उन्होंने कहा स्वामी आप तो खुद तीनों लोगों के स्वामी हैं और आप भगवान होकर के साधारण मानव को प्रणाम कर रहे हैं, आखिर क्यों? बोले आप तक आ देवी कोई साधारण मानव नहीं है बेटा, यही तो मेरे सच्चिदानंद, यही मेरे इष्ट देव है। लेकिन सती ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आपके भगवान है ये तो क्या भगवान ऐसे जंगलों में भटका करते हैं? और जब कहा विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन माता सती नहीं मानी, नहीं मानी और जाकर के भोलेनाथ से जबरदस्ती करके के भगवान राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गई। परीक्षा लेने पहुंच गई, वहां जाकर के राम जी ने उनको पहचान लिया, और जब सारा भेद खुल गया तो माता सती लौट के आई। भोलेनाथ ने कहा देवी आपने मेरी बात नहीं मानी, ले ली परीक्षा? तो सती ने झूठ बोल दिया, कहा प्रभु मैंने परीक्षा नहीं ली। और चौपाई भी कह रही कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। भगवान भोलेनाथ समझ गए सती झूठ बोल रही है, उन्होंने सोचा अरे सती तुम अपने पति से झूठ बोल रही हो, तो जाओ आज मैं भी एक संकल्प ले रहा हूँ। और भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया, चौपाई लिखी गई कि शिव संकल्प कीन मरमाही, यह तन सती भेंट अब नाही। तो दूसरा प्रकार कहना चाहता जी, समझा ¡Gracias!
You